संदिग्ध आतंकी लिंक को लेकर असम में मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। यहां के बोंगाई गांव जिले के कबाइट्री पार्ट 4 गांव में स्थित मरकजुल मा आरिफ क्वारियाना मदरसे को आज तोड़ दिया गया। अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार की ओर से ध्वस्त किया गया ये तीसरा मदरसा है। असम में एक हफ्ते में दूसरे मदरसे पर कार्रवाई हो रही है, जबकि अभी तक 3 मदरसों को ढहाया जा चुका है। इस मदरसे को ढहाने से पहले मंगलवार रात को खाली करा लिया गया था। यहां रहने वाले छात्रों को दूसरे संस्थान में भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा मदरसे की जांच की गई तो उन्हें प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से जुड़े दस्तावेज मिले। इस मदरसे का लिंक हफीजुर रहमान से जुड़ा बताया जा रहा है। अभी हाल ही में एक आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इससे पहले सोमवार को असम के बारपेटा जिला प्रशासन ने जिले के ढकलियापारा इलाके में शेखुल हिंद महमूदुल हसन जमीउल हुदा नाम के एक मदरसे को ढहा दिया था। जांच में अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूह अंसारुल बांग्ला टीम के साथ मदरसे का संबंध पाया गया था, जिसके बाद इसे ढहा दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको वक्त से मिल पाएं।